ये मोहन दास की माटी, यहाँ सरदार की जाके, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की, जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात के। हेलो, हाँ रॉजर, हाँ हाँ बस यहाँ का काम खत्म हो गया। अरे क्या बताऊँ तुम्हें भावनगर के लोगों के बारे में, मेहमानों को और फॉरेन टूरिस्ट को भगवान का स्थान देते हैं, हाँ अतिथि देवो भव में मानते हैं बिल्कुल। चल चल अब मुझे जरा जूनागढ़ के लिए निकलना है, टॉक टू यू लेटर, बाय। ऑल राइट, सभी को मेरा प्रणाम। जिंदगी में मौका मिला तो दोबारा जरूर आऊंगा। आप लोगों का आतिथ्य, सत्कार और आंटी के हाथों का बना स्वादिष्ट और प्यार भरा खाना हमेशा मुझे याद रहेगा, एक याद बनकर। बेटा अभी सवेरे आप जल्दी पहुंच जाओगे, फिर जाओगे कहाँ? हाँ बेटा, जूनागढ़ में तुम सूर्योदय से पहले पहुंच जाओगे, तो जाओगे कहाँ? दादाजी ने बताया था कि वहां किसी अदा को ढूंढ लूं, वो मेरी हेल्प कर देंगी। ऐसा करना, आप ऑटो रिक्शा पकड़ लेना और सीधे जूनागढ़ के स्वामी नारायण के मुख्य मंदिर में पहुंच जाना, वहां भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और नरसिंह मेहता के प्रभात या भजन और पद की गूंज चारों ओर सुनाई देगी। जागने जादुआ। ठीक है, अभी आद्य कवि भक्त नरसिंह मेहता इतने भाव से भजन गाया करते थे कि वे जब भी चाहते तब भगवान कृष्ण को अपने पास बुला लेते थे। और बेटा अभी आज भी हर गुजराती के दिल में आद्य कवि भक्त नरसिंह मेहता के भजन की गुंज सुनाई देती। जय श्री कृष्ण। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मैं लोगों तक जूनागढ़ को भी पहुंचा पाऊंगा और सभी लोगों को भावनगर भी दिखाऊंगा। और नर्मदा आंटी, आपका प्यार मुझे यहां दोबारा जरूर खींच के लाएगा और मैं अगली बार आऊंगा तो सब दोस्तों को लेके आऊंगा, जूनागढ़ भी घुमाऊंगा और सबको भावनगर भी लेके आऊंगा। जय श्री कृष्ण। विश्व के प्राण जी, धेनु सब पथ तुम्हारा निहारती, हे जागिए कान जी, चंद्र तेरे श्याम श्याम भाल पर टीका करे, सूर्य भी आ रहा लेके आरती, रे जागिए श्याम जी, हर लहर पुलक भरी पुकारती गले तो मिल, बह रही है नदी अरज गुजारती, रे ज
राम जी विश्व के प्राण जी धेनु सब पथ तुम्हारा निहार दी रे जागिए कौन जी। भक्ति रस से भरे हुए नरसिंह मेहता के अमर प्रभातिया भजन गीतों ने न केवल गुजरात सौराष्ट्र पर समग्र राष्ट्र में एक नई चेतना जागृत की थी। वैष्णव जन तो देने कहिए जे वीर पराई जाने रे वैष्णव जन तो देने कहिए अंतर में विशाल गिरनार की परछाई को समाकर यह दामोकुंड एक गौरव का अनुभव कर रहा है। दामोकुंड के इस पावन पुलीन पर प्रतिदिन प्रत्युष वेला में भक्त कवि नरसिंह मेहता आते थे और गद गद होकर अपने श्यामल की आराधना के गीत गाते थे। दामोकुंड के पास ही है दामोदर लाल जी का मंदिर और रेवती कुंड। यहां दान पूजा तर्पण का महिमा देखने को मिलता है। जूना अर्थात पुराना ओल्ड, बहुत पुराना है यह गढ़ अर्थात पर्वत, इसीलिए इसे जूनागढ़ कहते हैं। हिमालय से भी बहुत पुराना है यह जूनागढ़। उद्धव संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान श्री स्वामीनारायण को सोरठ के सत्संग प्रति विशेष स्नेह था। इसीलिए श्री हरि ने स्वयं कहा है, मुझे प्यारा सोरठ देश, दिव्य रूप में रहूंगा हर हमेश। सोरठ जूनागढ़ में इस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। राधा रमण देव की यहां प्रतिष्ठा की गई और मोक्ष के यह सदाव्रत का प्रारंभ किया गया। इसी सोरठ की भूमि पर सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी, सदगुरु बालमुकुंद दास जी, सदगुरु नारायण दास जी स्वामी आदि महान संतों ने गांव गांव घूमकर सत्संग करते हुए इस सोरठ प्रदेश में भक्ति की नई महक फैलाई। स्वामी नारायण स्वामी नारायण
आज विश्व भर में श्री स्वामीनारायण संप्रदाय विविध क्षेत्रों में उभर रहा है। उस कार्य का श्री गणेश, उसका श्रेय जाता है गौरवशाली सौरठ की भूमि को। भगवान श्री कृष्ण कालियवन के सामने लड़ते हुए रणभूमि छोड़कर मथुरा से बहुत दूर जूनागढ़ मुचकुंद ऋषि की गुफा में छुप गए। कालियवन मुचकुंद ऋषि के हाथों मारा गया। मुचकुंद ऋषि को भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष का वरदान दिया। तब से भगवान श्री कृष्ण कहे गए रणछोड़ राय। वेदों के अनुसार विष्णु भगवान ने वामन अवतार में बलि राजा के पास से 3 चरण पृथ्वी का दान लिया और कहलाए त्रिकम राय जी। त्रिकम राय जी की प्रतिष्ठा एकमात्र जूनागढ़ में श्री हरि ने की है। तुमको ये लड्डू पसंद आ जाए, तुमको ये लड्डू पसंद आ जाए। जी, मेरा मूड ठीक नहीं। बिपिन जी लड्डू चखिए प्यार से, जरा तो चखिए। हाँ, बड़े अच्छे बड़े अच्छे। जीजी, नहीं खाना है मुझे। जब तक मेरे बिजनेस का सॉल्यूशन नहीं आता, मैं मिठाई नहीं खाऊं। ये मेरी मन्नत है।
अरे जिगी बेटा, ये मोपा क्यों चिल्ला रहा था? कुछ नहीं बाबूजी, बिजनेस का टेंशन अपने आप ले रहे हैं। मिठाई नहीं खाएंगे, मन्नत मानी है। टिफिन भी वैसे के वैसा ही पड़ा है। बेटा चिंता मत करो, सब सब ठीक हो जाएगा। हाँ चिंता मत करो। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर बसा हुआ सौराष्ट्र एक रमणीय द्वीप कल्प है। यहाँ के अमीट संस्कृति चिन्ह और सागर की लहरें पुराण प्रसिद्ध इस अनर्थ देश की महिमा के गीत गा रही है। पस्तावो विपुल झरणु, सत्य और अहिंसा, यह संदेश युगों से इस भूमि ने सार्थक किया है। गिरनार शत्रुंजय पालिताना में बहुत सारे जैन मंदिर हैं और पोरबंदर महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल, जिनके जीवन का उपदेश रहा सत्य अहिंसा। समय की आंधियों का सामना करती हुई अशोक की यह लेखशिला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सागर के उस पार सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति का संदेश पहुंचाने वाले सम्राट अशोक के गौरवमय युग की याद दिला रही है। शिला लेख रूपी महाग्रंथ के उपदेश अंधकार में भटकते हुए मानव को प्रकाश की ओर आगे बढ़ने का संकेत करते हैं। ईसा से 300 वर्ष पूर्व गिरनार में इस अशोक शिला की स्थापना की गई थी। इस लेख पर ब्राह्मी आदि तीन लिपियां दिखाई देती है। किसी समय सौराष्ट्र में एक विशाल झील थी जिसका नाम था सुदर्शन। शायद इस झील को काट काट कर ही प्राचीन शिल्पकारों ने यहां गुफाएं बनाई थी। ये बौद्ध गुफाएं जो अब खापरा कोडिया गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुफाएं लगभग 250 फीट लंबी और 80 फीट चौड़ी है। इन एक मजली गुफाओं की दीवारों पर शंकु लिपि अंकित है, जिसके गुणाक्षरों को समझने के लिए आज भी पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस चैत्य खिड़कियों से यह बौद्ध गुफाएं आसानी से पहचानी जा सकती है। यहां के खंभों पर खुदाई का सुंदर काम किया गया है। काल के कठोर हाथ इस भुवनेश्वर पहाड़ी के पत्थरों को न हिला सके और न ही वे इस साड़ा पहाड़ी की चट्टानों को काट काट कर बनाई गई गुफाओं की शांति छीन सके। Thank you.
मनुष्य ही नहीं मगर ये मूक प्राणी यहां शांति का अनुभव कर रहे हैं। जग के कोलाहल और बंधनों से दूर रहने वाले मंगलमय भगवान बुद्ध देव के अनुयायी इन गुफाओं में मोक्ष पाने के लिए साधना करते थे और सांसारिक मोह माया में लिपटे हुए को जीवन का रहस्य समझाते थे। कठोर चट्टानों को काट काट कर बनाई गई इन गुफाओं में आज भी कोमल भावनाओं की झलक दिखाई देती है। यह एक चैत्य है। इस तलाजा पहाड़ी या तालगिरी के एकांत से प्रभावित होकर संसार से विरक्त मोक्ष की खोज में लगातार प्रयत्न करने वाले बौद्ध भिक्षु यहां आए। उन्होंने इस पहाड़ी को काट काट कर गुफाएं बनाई। सौराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसी बौद्ध गुफाएं दर्शनीय हैं। How are you, my friend? मैं यहाँ अस्मिता गुजराती बॉटल मेकिंग में बिजी हूँ। Are you comfortable? And you know what? I'm enjoying special challenge over here. देखना, लोगों में अपने बॉटल के बारे में क्यूरियोसिटी होगी। लोग उसे जितना विजिट करेंगे, all the time different experience करेंगे। भावनगर का दायरा, दोहा, छंद नरसी मेहता का प्रभातिया भजन का प्रेजेंटेशन लोगों ने बहुत लाइक किया है। भावनगर जूनागढ़ की पुरानी संस्कृति कार्विंग क्राफ्ट आर्टिस्टिक डिजाइन पर भी खूब अभी वर्क चल रहा है। एंड दैट बिग जंबो साइज पॉट हमें तो बहुत पसंद आया। एंड दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस I'm really missing it, यार। और क्या मिस कर रहे हो मुझे? We are good friends. तुम भले ही मुझसे दूर हो लेकिन दिल के बहुत करीब हो। Hardly you are very close to me. Because of you, I've got so lovable family. Roger, दादाजी मोटा पापा और मेरी मोटी मम्मी कैसे हैं सब? दादाजी थके जरूर मगर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड यू नो अभी खाने पीने के शौकीन मोटा पापा ने तो स्वीट खाना ही छोड़ दिया है। अस्मिता गुजरात की